बॉस रियलिटी शो की उम्र 17 साल की है, लेकिन पिछले 15 साल से हमें देखने की आदत है सलमान खान को। और सलमान खान जैसा होस्ट करते हैं, उस चीज की कीमत, उस चीज की कदर तब होती है जब भी कोई उनके जगह पे आकर के होस्ट कर रहा होता है, और इस बार वही चीज फील हुआ है। अनिल कपूर बिग बॉस OTT सीजन 3 को होस्ट कर रहे हैं, और जिसको देखने और सुनने के बाद में लग रहा है कि भाई कितना ओवर करोगे, बस भी कर दो। इंग्लिश वर्ड के साथ में खेलना, अपनी आवाज में जबरदस्ती का बेस ले आना, भाई रियलिटी शो का रियलिटी पूरी तरह से खत्म कर दिया जा चुका है, सब कुछ आर्टिफिशियल लग रहा है। एंड दैट इज द रीजन कि सलमान खान बिग बॉस के एज अ होस्ट बहुत ही अच्छे लगते हैं और हमें बहुत ज्यादा पसंद है। सलमान खान भले से अपनी एक्टिंग फिल्मों के अंदर में कैसे भी करते हो, लेकिन बिग बॉस की होस्टिंग में इनका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा रियल और बहुत ही जबरदस्त और फन लविंग पर्सन लगते हैं। किसी भी चीज को बोलने से डरते नहीं है, और किसी भी तरह की रोस्टिंग कह लो या फिर रैगिंग, वो भेदड़क कर देते हैं। तारीफ सलमान खान के मुंह से किसी के लिए निकलना भाई इम्पॉसिबल सा है, और अगर निकला तो समझो भाई बंदे में कुछ तो बात है। ओके, तो सलमान खान की तारीफों की पुल बांधना बंद करता हूँ। अनिल कपूर के बारे में बहुत बात हो चुकी, अब बात करते हैं कि भाई कंटेस्टेंट कैसे आए हुए हैं। यहाँ पे आपको जो वड़ा पाव गर्ल देखी जाती है, भाई आते ही बंदी ने अपना जस्टिफिकेशन देना शुरू कर दिया, क्यों है, कैसी है और क्यों ऐसा कर रही थी, उस सारी चीजों का जवाब देना शुरू कर दी, और जिसके पीछे में मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का सही जवाब वो दे रही थी। वो वही दे रही थी जो कि भाई स्क्रिप्टेड था, जो वो कहना चाहती थी। चंद्रिका दीक्षित के बाद में एंट्री होती है शिवारी कुमारी नाम की एक यूट्यूबर, जो कि भाई व्लॉग बनाती है। मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन इनकी आवाज मुझे किसी की याद दिलाती है जो कि इंस्टाग्राम में काफी ज्यादा वायरल है, जो कहती है पता नहीं घर वाले मेरी बेइज्जती कर रहे हैं लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा है क्या हो गया है। भाई कुछ उसी तरह की आवाज में वो बात कर रही है। आई थिंक दोनों के गांव, दोनों जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहां पे इसी एक्सेंट में बात किया जाता है। मुझे कहीं से भी ये फेक नहीं लग रही है, लेकिन जैसे ये आ रहा था तो ट्विटर के अंदर में भाई अचानक से लोग ट्रोल करने लग गए कि हम फालतू का ही वड़ा पाव गर्ल को गाली दे रहे थे। शिवानी कुमारी तो भाई उसकी माँ है, मुझे ऐसा नहीं लगता। इसके बाद से भाई लव कटारिया, ये भाई मेरे हिसाब से ये पूरी तरह से कॉपी करना चाह रहा है। इनको लगता है कि फिर से सिस्टम वर्ड जो बोलेंगे वो काम आ जाएगा। 36 बिरादरी का नाम लेकर के इन्होंने अपील कर डाला, और इनको लगता है कि ये यहाँ से जीत करके जाएंगे। मैं डैम श्योर हूँ ये बंदा जीतने वाला नहीं है। ये एक नया जोकर है जो कि भाई सोशल मीडिया में भी ट्रेंड करने लग गया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एल्विश यादव की गर्लफ्रेंड है, और इसकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि ये एल्विश यादव का दोस्त है। बस भाई ये मेरा, भाई ये मेरा बोल करके ये चला रहे, और सेम एक्सेंट, सेम वॉइस, सेम सारी चीजों पे ये बात कर रहे हैं। यार मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था कि यहाँ पे रणवीर शौर्य जो है उनको बुलाया गया है, और वो देखा जाए तो टाइगर फ्रेंचाइजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे सलमान खान के साथ में, एक बेस्ट फ्रेंड का रोल। आपको याद होगा एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है, उसमें चूना लगा करके चले जाते सलमान खान। ये बंदा यहाँ पे जहां तक मैं जान पाया हूँ अब तक, बंदा काफी शांत स्वभाव का है लेकिन थोड़ा जिद्दी है। अपनी चीजों पे जो अड़ जाता है सो अड़ जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये एक दूसरा साइरस बन सकता है, क्योंकि भाई साहब की ज्यादा जरूरतें नहीं है, बहुत कम जूते लेकर के आए, लोगों की चीजों को देख करके थोड़ा सा मुंह बना ले, भाई ये क्या है इस तरह से वो बोल रहे, तो देखते क्या होता है। विशाल नाम का एक इन्फ्लुएंसर है जो ऑफकोर्स इंस्टाग्राम रील्स में जो है काफी ज्यादा हिट है। मैंने एक दो बार इनके रील्स देखे हैं। इस बंदे को डम तो नहीं दिखाया गया, लेकिन कंपेयर करने जाओ तो लव कटारिया जो है इससे बड़ा वाला डम है, और विशाल जो है बस सीधा साधा सा बंदा, ऐसा फील करवा रहा है। अब जब ये दोनों स्टेज पे थे तो भाई इनको रोस्ट करने के लिए और इन पे सवालों का बौछार लगाने के लिए दीपक चौरसिया नाम का एक रिपोर्टर को बुलाया जाता है, जिसकी शक्ल को देख के मैं हिल जाता हूँ। जब भी आप गोदी मीडिया की बात करते हो, जब भी किसी यूट्यूबर को मोदी जी की निंदा करते हुए देखते हो, तो भाई उस पे इसका नाम भी आता है। जहाँ पे आपने नाम सुना होगा कि ये भाई तिहाड़ी है, ये गुल्लू है, तो ये गुल्लू वो देवगन है क्या? वैसे इसके बारे में पता है, ये अचानक से अपने प्राइम मिनिस्टर को पूछ लेता है कि आप पर्स रखते हो क्या? अबे तुम झंडू हो क्या बे? प्राइम मिनिस्टर है वो पर्स रखेंगे सीरियसली? अबे वो जाएंगे बोलेंगे देख लेना। सच बताओ तो नरेंद्र मोदी की पड़ गई थी भाई, क्या सवाल कर रहा है तू, मैं पर्स रखता हूँ या नहीं? और ये वही भाई साहब है जो कि टिका करके बैठ गए थे और न्यूज एंकरिंग कर रहे थे। दूसरा पहलू भी हो सकता है कि भाई दवाई लेकर के बैठे हो, उस पे नशा आ रहा हो, लेकिन क्यों ये भाई साहब यहाँ पे गेम खेलने आए ये क्या? देखो बिग बॉस की यही आदत मुझे सबसे ज्यादा गंदी लगती है, किसी को भी राशन पानी जुगाड़ करवाने के लिए घुसेड़ देते हैं। मतलब यहाँ पे वो बंदा पूरे तरह से मतलब काम नहीं कर पा रहा है, उसके हाथ पांव नहीं चल रहे, बिग बॉस कंटेस्टेंट बना के घुसेड़ दिया है। मतलब डॉक्टर ने बोला होगा बेड रेस्ट कर लो, इन लोगों ने बोला चलो इधर पे चले जाते हैं। और किस एंगल से बेटा आपको लगता है कि आपके पापा जो है कहीं किसी को पटा ना ले? भाई पहले वो लोगों की गालियों से बच जाए, वही बहुत बड़ी बात है। अगले जिस कंटेस्टेंट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, उसका नाम है सना सुल्ताना, और इसको देख करके मैं खौफजदा हूँ। हाँ अल्लाह के वास्ते मुझे यहाँ से बख्श दो। मतलब ये जिस तरह से अपनी मासूमियत का रूप दिखा रही है, जिस तरह से वो कह रही है लड़कों की फैंटेसी हो सकती है, लेकिन ये बंदी जो है ना भाई एक नंबर की,
जाने दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बोलूंगा तो भाई विवाद हो जाएगा। तुम लोगों को क्या लगता है इसके बारे में बताओ। मुझे ये बंदी बहुत बड़ी फेक लग रही है, और जिस तरह से एके अनिल कपूर इस पर लट्टू हुआ था, सलमान खान इसको एक चवन्नी भाव नहीं देने वाला था भाई, मैं लिख के देता हूँ। लेकिन जिस तरह से एके इसके पीछे में पागल हो गया, पक्का पक्का सुनीता जो है घर के अंदर में घुसने तो नहीं देने वाली है। बोलेगी अब तो तुम चूज ही कर लो क्या है तुम्हारे लिए, या तो शो करोगे या तो मेरे साथ घर पे रहोगे। माँ कसम यार, बुढ़ापे में किसी को सटियाते हुए मैं पहली बार देखा है कि किसी लौंडिया के पीछे में पागल हो गए। अब जब नाम सना का निकला ही है और बिग बॉस का फेवरेट नाम सना है, तो भाई यहाँ पे भी सना एक और है जिसका नाम है सना मकबूल। ये लड़की जो है मुझे भाई इंग्लिश विंग्लिश बोलते हुए दिख रही थी, और इसको खड़ा कर दिया गया था शिवानी कुमारी के साथ में कि देखो तुमको इंग्लिश से नफरत है लेकिन ये इंग्लिश में ही बात करेगी। और वो बंदी और ज्यादा इंग्लिश में बात कर रही होती है और बोलती है मुझे हिंदी नहीं आती। भाई तुम कहाँ से अटपके हो, अचानक से इंग्लैंड में पैदा हुए थे, इंग्लैंड से इधर आ गए क्या? और तो और भाई बातों बातों में बंदी ने कुछ ऐसी चीज बताई, इस पे हंसना तो नहीं चाहिए लेकिन लिटरली मुझे तो हंसी आ गई कि उसको कुत्ते ने काटा है। और कहाँ पे काटा है, होंठों पे। और चुम्मी लो, लड़कों को छोड़ करके कुत्तों से और चटवाओ, बहुत मजे आते हैं ना भाई, क्यों सीख लो, ये सीख है तुम्हारा। सीधा भाई होंठ ही काट डाला, उसके वजह से सर्जरी हुई। और बंदी कहती है कि ये फेस जो है मेरा ब्रेड एंड बटर है, तो इस चीज का मजाक नहीं उड़ाने का। भाई तुमने ये बोल के गलती कर दी है, बिग बॉस के घर के अंदर में अपने राज नहीं खोलते, वो भी अपने ही मुंह से, और ऐसे राज जिसको सुनने के बाद लोग जो है मजे ले। वैसे मुझे मजे से याद आया, अरमान मलिक अपनी दोनों बीवियों के साथ में घर के अंदर एंट्री मार चुके हैं, और ये भाई साहब का शक्ल देख करके ऐसा लग रहा है कि रियल लाइफ में एग्जैक्टली ये कैसे होते वो यहाँ पे दिखने वाला है। क्योंकि स्टेज पे से ही समझ में आ रहा था इस बंदे की पटके चार हो रखी है भाई, कहीं से भी ये बंदा खुश नहीं दिख रहा है। मैं तो भाई जितनी बार भी रील्स देखा हूँ बहुत ही कम देखा हूँ, लेकिन जब ये बंदा बहुत ज्यादा ट्रेंड पे था, लोग इसकी रोस्टिंग कर रहे थे, तो एक दो बार आ जाता था सजेशन में कि रील्स में आप देख रहे हो जिसमें दो बीवी दोनों साइड में चल रही है, ये बंदा वॉक कर रहा है, पैसे उड़ा रहा है भाई, गाने की शूटिंग चल रही है, हर महीना कुछ ना कुछ हो रहा है। यहाँ पे देखा भाई फटे हालत में खड़ा है बंदा, मुझे लगा दो बीवी में खुशियां डबल हो जाती होगी। इस भाई साहब ने कहा दो के बाद में तुम कहीं के नहीं रहते। देखो ये मैसेज जो है ना बहुत अच्छे तरह से ये बंदा इस शो में छोड़ के जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और देखो बिग बॉस ओटीटी में लोग कहते हैं ना कि ये फैमिली शो नहीं है, यहाँ पे वो सवाल कर भी दिया गया कि आप सबसे ज्यादा किसके साथ सोते हो। देखो अनिल कपूर, क्या पूरी ऑडियंस की भी यही सवाल होगी कि अगर तेरी दो बीवी है तो तू सबसे ज्यादा किसके साथ सोता है, और क्या कभी दोनों के साथ में सोता है, यानी त्रिसम का असली कॉन्सेप्ट तुझे पता है? भाई यहाँ पे लिटरली वो सवाल कर लिया गया कि आप दोनों में से किसके साथ ज्यादा सोते हो, और बंदे ने सीधा कह दिया नई वाली माल के साथ में सोता हूँ भाई, पुरानी तो पुरानी हो गई, 8 साल तक अच्छा खासा जेला है, बच्चा पैदा है क्या, अब नई वाली आई, नई के साथ में ज्यादा सोऊंगा। देखो तुम मेरी बातों से ऑफेंड हो सकते हो, लेकिन इन तीनों ने मिलकर के जो कांड किया ना भाई, उसके बाद से ये सारी चीज बनती है। और अगर इन सारी चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया गया तो हर बंदा दो लेके घूमेगा, और हर लड़की कन्विंस हो जाएगी कि चलो एक के साथ में एक फ्री है, चल जाएगा यार, मैं इसके साथ में ऐश करूंगी, एक दूसरी जो वो काम करेगी, मतलब ये उड़ाएगी, मैं उस चीज को धोपूं, क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। कुल मिलाकर के यही सारे कंटेस्टेंट थे जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। इसके अलावा जो अंटू पंटू है वो पहले दूसरे हफ्ते में कट लेने वाले हैं, जो पहले एपिसोड में अपना जगह नहीं बना पाए, आप समझ सकते हो क्या होने वाला है। जो भी है हम सब देखने वाले हैं। एक और चीज मुझे अच्छा लगा कि इस बार बिग बॉस ओटीटी काफी फास्ट जा रहा है, इंट्रोडक्शन के लिए 2 दिन का समय नहीं लिया गया, एक ही दिन के अंदर में 3.5 घंटे का पूरा एकदम शो बना डाला, सबका सब एक ही दिन में दिखा डाला है। और तो जब देख करके हटा तो 24 आवर्स लाइव भी भाई चालू था, उसके अंदर में भी सारी चीजें दिखाए जा रहे हैं, बहुत फास्ट पेस होने वाला, नजर हटी दुर्घटना घटी होने वाला सीन है। तो आई एम हैप्पी कि इस बार मेकर ने जो है समझ लिया है कि अब क्लिकबेट, अब जो है वो ट्रेलर काम नहीं करता है, अब सीधा लोगों को चाहिए, सीधा उठा के फेंक डालूंगा पे, ये मेरा कंटेंट। और मैं भी आजकल ऐसा हो गया हूं। सो दैट्स इट, दैट वाज माय कवरेज फॉर द बिग बॉस ओटीटी सीजन 3। व्हाट्स योर टेक, आप कौन सा, आप किसको सबसे ज्यादा सपोर्ट करना चाहते हो, आपके लिए कौन सबसे बड़ा जोकर है, आपके लिए सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट का दुकान कौन है, वो मुझे बताना कमेंट सेक्शन पे। और आने वाले जितने भी अपडेट्स है वो आपको मिलते रहेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। चैनल को छोड़ के कहीं जाना मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।